नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं व्याख्या चंदोला। सबसे पहले मुख्य समाचार। केदारनाथ उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी आशा नौटियाल ने 5000 से अधिक मतों से दर्ज की जीत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, जनता ने विकास को चुना। कांग्रेस ने केदारनाथ में हार स्वीकार की। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा, 9000 से अधिक वोट पाने वाले निर्दलीय प्रत्याशी को कांग्रेस के साथ लड़ना था चुनाव। राष्ट्रीय खेलों के दौरान पिथौरागढ़ में हो सकती बॉक्सिंग प्रतियोगिता। खेल मंत्री रेखा आर्य ने जिले के स्पोर्ट्स कॉलेज में चल रहे निर्माण कार्य जल्द पूरा करने के दिए निर्देश। अब समाचार विस्तार से। 15 राज्यों की 48 विधानसभा सीटों सहित लोकसभा की 2 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आने शुरू हो गए हैं। राज्य की केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव सीट में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी आशा नौटियाल ने जीत दर्ज की है। केदारनाथ विधानसभा सीट पर भाजपा उम्मीदवार आशा नौटियाल ने 5000 से अधिक वोटों से चुनाव अपने पक्ष में किया है। वहीं कांग्रेस को यहां हार का सामना करना पड़ा है। आशा नौटियाल को 23000 से अधिक मत मिले, जबकि कांग्रेस के मनोज रावत को 18000 से अधिक वोट मिले। वहीं स्वतंत्र उम्मीदवार त्रिभुवन सिंह को 9000 से अधिक मत मिले। नोटा के पक्ष में 800 से अधिक लोगों ने मतदान किया। रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ विधानसभा सीट इस साल जुलाई में बीजेपी विधायक शैला रानी रावत के निधन के बाद खाली हुई थी। उपचुनाव में कुल 6 प्रत्याशी खड़े थे। भाजपा की आशा नौटियाल ने यहां जीत दर्ज की है। जीत के बाद उन्होंने जनता का आभार जताया और कहा कि क्षेत्र में विकास के लिए वे कार्य करेंगी। इतनी खुशी आपको देख रही है अगस्त मुनि के इस मैदान में, और लोग सभी बहुत ही प्रसन्न हैं, बहुत खुश हैं। और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने केदारनाथ विधानसभा के विकास के मुद्दों को लेकर ये लड़ाई लड़ी थी, तो मैं धन्यवाद करती हूँ केदारनाथ विधानसभा के सभी कार्यकर्ताओं का और एक एक मतदाता का, जिन्होंने इस क्षेत्र के विकास के लिए अपना मत का प्रयोग किया है और केदारनाथ की यात्रा को और बेहतर करने के लिए जिन लोगों ने अपने मत का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में किया है, मैं उन सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। हमारे संवाददाता कुलदीप राणा दिखा रहे हैं कि जीत के बाद रुद्रप्रयाग के अगस्त्य मुनि मैदान में उत्सव का माहौल है। भाजपा कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों के साथ जीत का जश्न मना रहे हैं। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में बड़ा जोश है। लोग इस विजय को बड़े हर्षोल्लास से मना रहे हैं और ढोल नगाड़ों की थाप पर नाच गाना हो रहा है। खासतौर पे विपक्ष ने जो नारा अयोध्या, बद्रीनाथ और उसके बाद केदारनाथ का दिया था, आज सत्ताधारी पार्टी भाजपा ने इस नारे को सिरे से खारिज कर दिया है। कुलदीप राणा, डीडी न्यूज, अगस्त मुनि। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ में भाजपा की जीत को लेकर कहा कि जनता ने विकास के नाम पर वोट दिया है। उनकी सरकार केदार घाटी में विकास कार्यों के लिए, नवाचार स्थापित करने के लिए और महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य करेगी। केदारनाथ विधानसभा में मिली ये जीत, ये जनता की जीत है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जो बाबा केदार धाम का नवनिर्माण और पुनर्निर्माण किया, वहाँ के लिए योजनाएं बनाई, जो वहाँ विकास का क्रम शुरू हुआ, ये उसकी जीत है। हमारी ये जीत ये विकास की जीत है, हमारी ये जीत राष्ट्रवाद की जीत है, हमारी ये जीत सनातन की जीत है। इतना ही नहीं, इस चुनाव में इन्होंने पूरी तरह से क्षेत्रवाद फैलाने का काम किया, जातिवाद फैलाने का काम किया, तमाम प्रकार से भ्रम और झूठ की राजनीति को जनता ने नकार दिया। जनता ने विकास को चुना, जनता ने सुशासन को चुना है। वहीं पिथौरागढ़ में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने केदारनाथ की हार को स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि केदारनाथ में निर्दलीय प्रत्याशी त्रिभुवन सिंह को भी बड़ी संख्या में वोट मिले, जिससे कांग्रेस को नुकसान पहुंचा है। वहां जो निर्दलीय प्रत्याशी थे त्रिभुवन जी,
चौहान, उन्होंने भी लगभग 9000 के आसपास वोट लाए हैं और मुझे लगता है कि अगर त्रिभुवन भाई के वोटों को और कांग्रेस के वोटों को जोड़ा जाए तो ये बीजेपी के मतों से कहीं अधिक है और उस लिहाज से देखा जाए तो बीजेपी की ये विन नहीं है, उतनी बड़ी जीत में नहीं देखता हूँ। अगर अच्छा होता कि त्रिभुवन भाई और मनोज भाई का सामंजस्य बैठता और एक ही प्रत्याशी होता तो निश्चित ही कांग्रेस इस चुनाव को जीतती। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में भाजपा की जीत पर पार्टी में खुशी का माहौल है। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने खुशी जताई कि अब विधानसभा में एक महिला और हो गई हैं। केदारनाथ की जनता का आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि उन्होंने बहुत ही सुंदर निर्णय लिया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय जो हमारी विधायक बनी है आशा नौटियाल, जो कि हमारी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उनके नेतृत्व में केदारनाथ में अच्छा विकास होगा और साथ ही साथ आदरणीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, सब मिलकर केदारनाथ का जिस तरह से विकास होना है उस पर कार्य करेंगे। मैं आशा नौटियाल जी को बहुत सारी शुभकामनाएँ और बधाई देती हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि एक और महिला हमारे सदन में आ रही है। विधानसभा अध्यक्ष व क्षेत्रीय विधायक ऋतु खंडूरी भूषण ने आज कोटद्वार में पर्यावरण मित्र सम्मान समारोह में प्रतिभाग किया। विधानसभा अध्यक्ष ने नगर निगम के 245 पर्यावरण मित्रों को उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्य के लिए आर्थिक सहायता के चेक प्रदान किए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सफाई कर्मचारी हमारे समाज के अभिन्न अंग हैं और उनका योगदान हम सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने पर्यावरण मित्रों की संख्या बढ़ाए जाने पर भी जोर दिया। कोटद्वार काफ़ी बड़ा हो गया है और म्यूनिसपैलिटी बड़ी है, 40 हमारे वार्ड हैं और जिस तरह से पॉपुलेशन धीरे धीरे कोटद्वार की बढ़ रही है, आवश्यकताएं बढ़ रही हैं और बहुत एक अच्छा सुझाव यहां से आया है कि हमें कम से कम 100 और पर्यावरण मित्र चाहिए, तो मैं इसको राज्य सरकार तक ले जाऊंगी और माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगी कि जिस तरह से कोटद्वार बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, वहाँ पर बहुत आवश्यकता है कि हम पर्यावरण मित्रों का की संख्या बढ़ाएं। इस अवसर पर पर्यावरण मित्रों ने सम्मान मिलने पर खुशी जताई और पर्यावरण मित्रों की संख्या बढ़ाने की मांग की। मैं सरकार से यही आग्रह करती हूं कि वो हमारे जितने भी सफाई कर्मचारी हैं उनकी भर्तियां बढ़ाएं और उनकी सैलरी को भी बढ़ाएं ताकि वो अपने बच्चों का पालन पोषण अच्छे से कर सकें, क्योंकि हमारे समाज को बहुत ही दबा कुचला माना गया है और हमें नाम भी ऐसा दिया गया है, दलित समाज। तो हम चाहते हैं कि समाज, ये सरकार हमारे लिए कुछ करे। खेल मंत्री रेखा आर्य ने आज पिथौरागढ़ के कैप्टन हरि सिंह थापा स्पोर्ट्स कॉलेज का निरीक्षण किया। उन्होंने कार्यदायी संस्था और खेल विभाग के अधिकारियों को स्पोर्ट्स कॉलेज के अवशेष कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। रेखा आर्य ने कहा कि उत्तराखंड में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय खेलों के दौरान पिथौरागढ़ में बॉक्सिंग प्रतियोगिता के आयोजन पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने स्पोर्ट्स कॉलेज में दर्शक दीर्घ सहित अन्य कार्यों के लिए जल्द से जल्द आंकलन बनाने के भी निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए। साथ ही आज इस बात का भी निरीक्षण हुआ है, क्योंकि विभाग इस बात से विचार कर रहा था कि हमारे यहाँ पे 38th नेशनल गेम 28 जनवरी 2025 से स्टार्ट होने वाला है, तो उसके परिप्रेक्ष्य में विभाग ये विचार बना रहा है कि यहाँ पर हम बॉक्सिंग का नेशनल गेम हम लोग यहाँ पर प्रस्तावित करें, जो पूर्व में भी किया था, चूँकि अभी तैयारियाँ उसकी पूर्ण नहीं हुई हैं, जिसको लेकर आज संबंधित कार्यदायी संस्था को भी और विभाग के अधिकारियों को भी निर्देशित किया है कि शीघ्र जो है इसमें कार्य पूर्ण करें। क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय देहरादून द्वारा लोगों की सुविधा के लिए इन दिनों नई टिहरी में पासपोर्ट मोबाइल वैन कैंप का आयोजन किया जा रहा है। कैंप में नए व दोबारा जारी किए जाने वाले पासपोर्ट के ऑनलाइन भरे गए आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। इस दो दिवसीय कैंप के लिए अधिकतम प्रतिदिन 50 आवेदन ही लिए जाने थे, जिन्हें आवेदकों द्वारा पहले ही बुक कर लिया गया। क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी विजय शंकर पांडे ने बताया कि दूर दराज के पासपोर्ट आवेदकों को सुविधा देने के लिए कैंप का आयोजन किया गया है। उन्होंने पासपोर्ट बनाने की प्रक्रिया की भी जानकारी दी। पासपोर्ट बनाने की प्रक्रिया बहुत साधारण है, इसके लिए हमारी एक वेबसाइट है passportindia.gov.in। सभी आवेदक उस पर जाकर एक बार अपना न्यू यूजर के तौर पर रजिस्ट्रेशन करें। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में उनको यूजर आईडी पासवर्ड मिल जाता है, फिर वो नए यूज़र हो जाते हैं, एग्जिस्टिंग यूज़र हो जाते हैं और वहाँ लॉगिन करके वो अपना एप्लीकेशन सबमिट करें, पेमेंट करें और डेट लें, और जो भी डेट उनको मिलती है उस दिन अपना सभी असली और
उनकी फोटोकॉपी दस्तावेजों के साथ उस सेंटर पे वो उपस्थित हूँ। टिहरी में मोबाइल कैंप लगने से स्थानीय लोगों को भी पासपोर्ट बनाने में काफी आसानी हो रही है। उन्होंने पासपोर्ट कार्यालय के इस प्रयास की सराहना की है। मेरा पासपोर्ट पहले बन चुका था, लेकिन मेरे बच्चे और मैं, हम लोग कंसाली में रहते हैं और यहाँ पे पासपोर्ट होने हमें बहुत सुविधा मिली है, क्योंकि हमें देहरादून जाना पड़ता, पूरा दो दिन हमारे खर्च होते और कम बजट में, और यहाँ का स्टाफ भी काफ़ी कोऑपरेटिव है, उन्होंने हमें अच्छे ढंग से ट्रीट किया। और जब मैंने अपना पासपोर्ट देहरादून बनाया था तो वहाँ पे काफ़ी भीड़ भाड़ थी, लेकिन यहाँ पे हमारा इजीली हमारा काम हो रहा है और इससे मैं बड़ा खुश हूँ। ऐसे कैंप मुझे लगता है कि और छोटे छोटे सब डिस्ट्रिक्ट में भी लगने चाहिए, जैसे यहाँ घनसाली हमारा है वहाँ पर भी लगने चाहिए, और ये बहुत अच्छा गवर्नमेंट का बहुत सर पहल है और स्टाफ काफ़ी कोऑपरेटिव है। धन्यवाद। जो ये बैंक सुविधा आई है, ये हमें हमारा समय बचाती है, हमारी हर चीज़ें बताती है। यहाँ भी लोगों को भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी लोगों को। हम तो दोनों आए, हस्बैंड वाइफ दोनों आए हैं हम लोग, और हमें हम शुक्रिया अदा करते हैं पासपोर्ट ऑफिसर जी का कि जिन्होंने यहाँ पे डेट लगाई है, और ये होना भी चाहिए ही है, और सभी लोगों को ये फ़ायदा मिलना चाहिए। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।